हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। दोस्तों, मैं आ गई हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ। और जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है वो अलामा सईद शहनशाह हुसैन नकवी साहब का बयान होने वाला है। और टाइटल बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इस टाइटल को सोचकर दोस्तों, मतलब मेरे दिल में भी ये आता था पहले भी, अब भी मैं ये सोचती हूँ कि मतलब शिया भाई भी मुसलमान हैं और हम भी मुसलमान हैं, तो मतलब हमारे बीच मतलब शादी क्यों नहीं हो सकती। तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा प्लीज़। और मैं टाइटल रीड कर देती हूँ, इख्तिलाफ़ और सुन्नी शिया में शादी बाय मौलाना सईद शहनशाह हुसैन नकवी। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि मतलब इसके बारे में अलामा साहब क्या बताते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देवबंदी बुजुर्ग उलमा में से शायद अहले हदीस हैं या देवबंदी है, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, अहले हदीस हैं। तो मैं उनकी खिदमत में जाया करता था, पिछले सालों उनका इंतकाल हो गया। वो अपने खिताब में फरमान लगे, ये सुन्नी शिया का झगड़ा यहूदी का फैलाया हुआ है, सुन्नी शिया का झगड़ा नहीं है, इख्तलाफ है। इख्तलाफ नाराजगी शायद है ना, इख्तलाफ और होता है, झगड़ा और होता है। वो सुन्नी सुन्नी में भी है, वो शिया शिया में भी है, वो भाई भाई में भी है। दुश्मनी, इख्तलाफ ना हो तो मुर्दनी आ जाए, इख्तलाफ ना हो तो तहर्रुक खत्म हो जाए, इख्तलाफ ना हो तो तहकीक के दरवाजे बंद हो जाए। इख्तलाफ को हुस्न जानो, इख्तलाफ को जमाल जानो, ये जमालियात का हिस्सा है। ये अल्लाह ने हर एक को अलहदा अलहदा बनाया है। एक माँ बाप के चार बच्चे होते हैं, चारों मुख्तलिफ होते हैं। इख्तलाफ लैलो नहार पर पूरी कायनात चल रही है, गौर फरमा रहे हैं। बगैर इख्तलाफ के तो तहर्रुक नहीं रह सकता, जिंदगी का मतलब नहीं रहेगा बगैर इख्तलाफ के। इख्तलाफ और है, और यही मैं जुमला कहता जाऊं अपने साथियों से, ये जो हमारे इल्मी इख्तलाफ है सुन्नी शिया में, शिया शिया में, सुन्नी सुन्नी में, देवबंदी बरेलवी में, ये इल्मी इख्तलाफ है। वरना मन काल अला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वह हुआ मुस्लिम, जिसने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वो मुसलमान है, और इस्लामी अहकामात और इस्लामी दस्तूरात उस पर लागू होते हैं। मसीहियों से शादी करना तो जायज है, अहले किताब से शादी करना तो जायज है, सुन्नी शिया की शादी जायज नहीं है। कहां पहुंच गया है उम्मत का मामला? ये आपके कौन सा यूनिवर्सिटी है कराची में? कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक बड़े आई बी ए में हम गए हमें मुस्तफा में खिताब करने, तो वो जो जैसे वहां के बच्चे हैं वो एलिविल वाले सारे अपने खास होलियों में होते हैं माशाल्लाह। वो वैसे ये भी आपको सुनकर अच्छी लगेगी बात कि वो 11 मुहर्रम को जो तालिब इल्मों का इम्तहान था, जनाब वक़ार मेहदी साहब के लिए दुआ गो हूँ कि वो रजिस्ट्रार साहब से बात करके इन्होंने 8-10 दिन आगे बढ़वा दिया है। तो वो एक जवान एक बच्ची सवाल करने लगी, थक तो नहीं रहे ना आप मेरी बातों से? एक बच्ची सवाल करने लगी, मौलाना ये आप मौलवी हजरत ने क्या बनाया हुआ है कि शिया लड़के की सुन्नी से और सुन्नी लड़की की शिया से शादी नहीं होगी? तो मैंने कहा, बीबी तुमने ये सवाल क्यों नहीं किया कि सिंधी की महाजर से, महाजर की पंजाबी से, पठान की बलोची से शादी क्यों नहीं होगी? जो जवाब तुम्हारे पास वहां है कि सकाफतें मुख्तलिफ हैं, रहन सहन मुख्तलिफ है, अंदाज जिंदगी मुख्तलिफ है, वही जवाब यहां है। ये कोई शरई तौर पर तो मना नहीं किया जा रहा, निभाना मुश्किल हो जाएगा, रहना मुश्किल हो जाएगा, जिंदगी गुजारने में तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कर सकते हो, संभाल सकते हो। तो जब हम अहले किताब से शादी करने की इजाजत दे रहे होते हैं, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद जी। अजीजाने गिरामी, ये इख्तलाफ इल्मी रहना चाहिए। हुदल बरादरान अहले सुन्नत के अंदर बहुत सारे नजरियात बहुत रोशन है जो हमसे करीब तर हैं, हम उनसे बाज़ चीज़ों में करीब तर हैं। अक्सर चीज़ें, मैं ये बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि इस वक्त सआदतमंदी है, बुजुर्ग उलमा इकराम तशरीफ़ फरमाएं, सियासत मदारान तशरीफ़ फरमाएं, मुख्तलिफ जमातों सियासी जमातों की शख्सियात तशरीफ़ फरमाएं, कराची के मुंतज़िम आला तशरीफ़ फरमाएं। ये इख्तलाफ हमारा इल्मी रहना चाहिए, मदरसों की हद तक रहना चाहिए, दीनी हलकों तक रहना चाहिए। सही बात कह रहे हैं, उन लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए जो हल नहीं कर सकते इस मसले को।
वरना बिरादरान अहले सुन्नत बहुत सारे नज़रियात में हमसे करीब तो रहें, हम बहुत सारे नज़रियात में उनसे करीब तो रहें। हिंदुस्तान में यौम हुसैन हो रहा है, जनाब निज़ामुद्दीन सानी दिल्ली में जो मज़ार ख्वाजा साहब का है, मैं उनकी ज़ियारत के लिए जा चुका हूँ दिल्ली में, तो वो यौम हुसैन से ख़िताब करने आए, मजमा शियों का है, कुछ अहले सुन्नत कुछ शिया ख़तीब हैं। ख्वाजा साहब ख़िताब करते हुए कहने लगे, सुनो भाई मैं तफजीली सुन्नी हूँ, मैं सुन्नी हूँ मगर तफजीली हूँ, और तफजीली का मतलब यह है कि बाद अजनबी अली की फजीलत का कायल हूँ। और फिर तकरीर करते हुए कहते हैं, सुनो दो तरह की तरतीबें होती हैं, एक तरतीब खिलाफत एक तरतीब फजीलत, अली तरतीब खिलाफत में चौथे हैं, तरतीब फजीलत में पहले हैं। मजमे में से एक साथ खड़े हो गए, कहने लगे ख्वाजा साहब बात समझ में नहीं आई, जो तरतीब फजीलत में पहला हो उसी को तरतीब खिलाफत में भी पहला होना चाहिए। अब जुमला सुनिए जनाब ख्वाजा साहब निजामी साहब का, जुमला फरमाते हैं, 1,23,999 पैगंबरों के बाद आने वाला पहला समझ में आता है? बहुत सारे नजरियात रोशन है, मैं नहीं समझता इस बहस के अंदर ज्यादा मुब्तला होना चाहिए कि सुन्नी शिया का इत्तफाक मेरे अपने मुताले के अंदर यह है, और मैं हवाले भी और कुछ शवाहिद भी रखता हूं कि अहले बैत की अजमत अहले बैत की फजीलत काबिल मुकायसा नहीं है। ला युकासु बि आले मुहम्मदिन अहदुन मिन हाज़िहिल उम्मा, आले मुहम्मद के साथ इस उम्मत में से किसी को मुकायसा नहीं करो। अल्लाहु अकबर, अजमत फजीलत मकाम मंजिलत फजीलत असहाबे पैगंबर की कुछ कम नहीं है, अजवाज मुताहरात का मकाम कुछ कम नहीं है। किसमें जब भी मैंने इनकी कोई वीडियो देखी है, जो भी इन्हें बात कहनी होती है ये साफ बात कहते हैं, मतलब तो इनकी बात ये मुझे बहुत ज़्यादा सही लगती है, और जो बातें इन्होंने इस वीडियो में कही ये बात बिल्कुल सही है। मतलब मेरे दिल में भी कभी कभी आता था कि मतलब शियाओं में शादी क्यों नहीं कर सकते, लेकिन मैंने किसी से ये सवाल किया नहीं था, लेकिन मेरे दिल में था। तो आज मतलब इस बात का जवाब मतलब मुझे मिला है, क्योंकि दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। अल्लाह ताला ने सिर्फ एक कलमा पढ़ा हुआ इंसान होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए, ये खुद हमने अपना बना रखा है। मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, मुझे ये बात बिल्कुल सही लगी, क्योंकि एक कलमा पढ़ा हुआ इंसान होना चाहिए दोस्तों। तो ये था मेरा आज का रिएक्शन, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी बहन को सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।